तो फ्रेंड्स ये है वन प्लस नॉट टू 5G मोबाइल और इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से बाय किया है और इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है 28,999 है और इसको मैंने 28,999 में ही लिया हूँ। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, मैंने इसको रिलायंस का डिजिटल स्टोर से ख़रीदा है लेकिन उसमें मुझे कुछ रिवार्ड्स पॉइंट मिले थे, मतलब 1100-1200 के समथिंग में, तो समझिए वही डिस्काउंट है मेरे लिए। तो इसको मैंने चलाते हुए 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है, मैंने 5 दिन से इस मोबाइल को चला रहा हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर है और इसको चलाने में कैसा लगा वो सारे चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या फ़ीचर है, सारी चीज़ मैं बताऊँगा और मुझे चलाने के बाद कैसा लगा वो भी मैं बताऊँगा। और साथ में इसमें जो है ये एक आ जाता है मोबाइल का कैश कवर आता है, तो ये कैश कवर भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है। और इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ इसमें आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाता है, एक बुक है, इसको बुक को आप आराम से 1-2 घंटा तक पढ़ सकते हैं चाहे तो, हम तो इसे पढ़ने वाले नहीं है। इसमें आपको एक वन प्लस का आपको कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा और पीछे में आपको यहाँ पर एक स्कैनर मिल जाएगा, स्कैनर को स्कैन करके अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं कंपनी को तो दे सकते हैं। और यहाँ पे 2-4 10 पन्ना का बुक है, आप आराम से इंग्लिश पढ़ के मजबूत कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे वन नॉट का आपको यहाँ पे एक बुक मिल जाता है अलग से कार्ड, और साथ में कुछ नहीं है, साथ में एक यहाँ पे एक जो डिस्काउंट है वन प्लस का, यहाँ पे आपको ये स्टिकर मिल जाता है, इस स्टिकर को लगा के आप अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस का है, अगर आप नॉट का लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और केवल यहाँ पर वन प्लस का लगाना चाहते हैं या आपके पास कवर है तो आप यहाँ पर कवर पर लगा सकते हैं। तो चलिए ये है मोबाइल का कवर और कवर की क्वालिटी ठीक ठाक है। ऐसे मैंने 5 दिन से चला रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा ये गंदा भी हो चुका है आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी स्टिकर है, तो इस स्टिकर को तो मैं आपको अलगा देता हूँ और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि ये कैसा है। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए ये स्टिकर है, तो इस स्टिकर को भी मैं आपको चिपका के दिखाई देता हूँ साथ में कि कैसा ये स्टिकर लगता है। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये स्टिकर है, और इस स्टिकर को अगर आप दिखाना चाहते हैं दूसरे को कि आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो आप आराम से यहाँ पे चिपका दीजिए, और ये आपका फ़ोन देखिए वन प्लस का हो गया और मैंने वन प्लस का स्टिकर यहाँ पे चिपका दिया। तो चलिए रही बात, अब मैं फ़ोन निकालता हूँ, ये तो टाइम वेस्ट हो गया आपका, अब मैं निकाल के फ़ोन दिखाता हूँ कि फ़ोन कैसा है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये है फ़ोन फ्रेंड्स, वन प्लस नॉट टू टी 5G, वन प्लस नॉट टू का बड़ा भाई है ये, और आपने पहले देखा था वन प्लस नॉट जो लॉन्च हुआ था, और साथ में इसमें मिल जाता है आपको 80 वाट का सुपर फास्ट चार्जर जो कि आपके मोबाइल को आधे घंटे में फुल चार्ज कर देगा। इस मोबाइल को 5 दिन चलाते हुए फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे इसमें मुझे कुछ अच्छा भी लगा और कुछ ख़राब भी लगा, वो सारे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, इस मोबाइल में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा। और साथ में मिल जाता है आपको इसमें रेड कलर का ये केबल मिल जाता है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को, और ये सब दिन वन प्लस का ये रेड केबल ही मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी इसमें मिल जाता है। और जो इसकी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, सुपर डुपर है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, और चार्जर में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाला क्योंकि ये कोई डब्बा नहीं है, बिल्कुल वेट है इसका, और मैंने इसको चार्ज भी किया है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा है मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल को निकाल लेता हूँ, और देखिए मोबाइल में कॉल भी आ रहा है क्योंकि मैंने इस मोबाइल को पहले से आपको दिखाने के लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल काट देता हूँ, और देखिए फिंगरप्रिंट भी सेट करके रखा है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसका जो फिंगरप्रिंट है कैसे वर्क करता है। तो देखिए जैसे टच करते ही ये फिंगरप्रिंट मोबाइल ओपन होता है, एकदम सुपर फास्ट है फ्रेंड्स, जैसे आप टच करेंगे बिल्कुल टच करके सुपर फास्ट टच करते ही ये वर्क काम करने लगता है। इस मोबाइल की डिस्प्ले आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ये 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसकी रिफ्रेश रेट 90Hz का है, रिफ्रेश रेट में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला आपको, जैसे आप फ़ोन को चलाएंगे वैसे चलेगा, ऐसा नहीं कि आज आप टच किए तो ये 2 साल बाद वर्क करेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टच करते ही ये भागता है सुपर फास्ट। तो फिजिकली इसको बता देते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर साइड की तरह चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और पीछे भी आपको यहाँ पर ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे शीशा है, अगर आपके हाथ से ये छूट जाएगा तो टूट भी सकता है, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, स्टिकर भी हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है शेडो कलर का है, ग्रे शेडो कलर का, और ये हाथ में जो बिल्कुल फिट साइज होता है, और मैंने बता दिया आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, और पीछे भी यहाँ पे ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फ़ोन जो है फ्रेंड्स स्लिपी है, हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा स्लिप जैसा लगता है, लेकिन आप इसको कवर जब लगाएंगे तो ये कवर लगाने के बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कोई स्लिप नहीं आएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको कवर लगा के दिखा देता हूँ,
और कवर लगाने के बाद बिल्कुल ये फिट आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। देखिए एकदम ये थोड़ा सा जो बम्प है यहाँ पे कवर का, ये बम्प थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि अगर आप इसको अपोजिट साइड भी करके रखेंगे तो ये आपके शीशे पे स्क्रैचेस नहीं आएगा। और यहाँ पे आगे पीछे से देख लीजिए, और साथ में मैंने वन प्लस का यहाँ पे लोगो भी लगा दिया ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि ये वन प्लस का फ़ोन है। तो चलिए अब मैं इसके फ़ोन के अंदर की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको कैमरे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का जो है आपको यहाँ पे मोनो कैमरा मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा को जो यहाँ पे किस प्रकार से दिया है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है ये कैमरा, जैसे कि ये बीच वाला ये कैमरा जैसे अच्छा लगता है ये 50 मेगापिक्सल का, वैसे यहाँ पे दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर दिया जैसे वन प्लस नॉर्ड में दिया हुआ था फ्रेंड्स फ्लैश लाइट। और ये जो कैमरे का जो बम्प है थोड़ा सा ये उठा हुआ है, लेकिन आपको कवर लगाने के बाद ये कवर पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर पावर बटन है, और यहाँ पर एक अलर्ट बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर में एक आपको यहाँ पे सेंसर देखने के लिए मिलता है, और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन बटन है। नीचे में भी एक यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है, डेडिकेटेड सिम स्लोट है, टाइप सी चार्जर है, और यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। और जो स्पीकर है इसका फ्रेंड्स स्टीरियो स्पीकर है, और मैंने बजा के देखा है इसको, बिल्कुल बढ़िया स्पीकर है इसका। जब आप मल्टीमीडिया यूट्यूब देखेंगे तो फिर ये स्पीकर बहुत ही तगड़ा आवाज़ देता है, सुपर आवाज़ देता है, इसके आवाज़ में कोई भी शिकायत नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के, आपको कैमरे के बारे में बता देते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स ये जो अलर्ट साइडर है, अलर्ट बटन दिया हुआ है इसमें साइड में, ये बहुत ही वर्क करता है। पहले तो मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था, तो मैंने इस फ़ोन को लिया, इसमें अलर्ट स्लाइडर है। तो अलर्ट स्लाइडर से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इस बटन को अगर आप पूरे नीचे कर देंगे देखिए, तो ये रिंग के कंडीशन में आ जाएगा, और अगर इस बटन को आप बीच में रखेंगे तो ये वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा, और अगर आप इसको बिल्कुल अप कर देंगे तो ये बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाएगा। इससे आपका कोई भी कॉल नोटिफिकेशन आएगा तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। तो इस तरह से ये अलर्ट बटन बहुत ही काम का बटन है, और ये बहुत ही यूजफुल बटन है। अगर आप इस बार एक बार वन प्लस का फ़ोन आप यूज कर लेंगे तो फिर दूसरा फ़ोन आपको यूज करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बटन को मैं यूज करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ोन को साइलेंट करना हो, वाइब्रेशन मोड में करना हो, रिंग में करना हो, एक बार में हो जाता है, और हमें मोबाइल को टच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका स्पीकर आपको सुना के दिखा देता हूँ, और फिर इसके बाद आगे मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से यूट्यूब को ओपन करता हूँ, और YouTube को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं ब्लूटूथ को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा था। तो देखिए ये स्वाइप कर देता हूँ, तो देख लिया फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल जो क्लियरिटी है बहुत ही तगड़ा है, और इसमें आपको आँख पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ने वाला। मैंने 4-5 घंटे कंटिन्यू इसे यूज करके देखा, फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो देखिए और थोड़ा सा चला के आपको दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आवाज़ में कोई भी कमी नहीं है, और स्टीरियो स्पीकर जो है इसका हकीकत में वर्क करता है। तो चलिए मैं इसका आपको सिम स्लॉट जो है वो सिम भी निकाल के आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह का इसमें सिम स्लॉट दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सिम स्लॉट निकाल के दिखा देता हूँ ये किस टाइप का सिम स्लॉट है। तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए निकाल देता हूँ, मैंने इसको 5 दिन से यूज कर रहा हूँ। तो देखिए एक सिम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा के रखा है, और यहाँ पर दूसरा साइड जो है यहाँ पे आपको मिनी सिम देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें नेटवर्क के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ मुझे, इसमें फिंगरप्रिंट इनबिल्ट दिया हुआ है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और वो वर्क भी करता है, और यहाँ पे फेस अनलॉक सिस्टम भी दिया हुआ है इसमें। और इसमें जो सबसे आगे में जो है फ्रेंड्स, इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको सोनी का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, तो कैमरे की क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं जो फ़ोटो लिया हूँ डे लाइट में हर तरह से मैंने फ़ोटो लिया हूँ, तो आपको मैंने फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि किस टाइप का फ़ोटो आता है इसमें।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो फ़ोटो है मैंने पूरा धूप में लिया है, आपको दिख रहा है मैंने अपने खेत में लिया है इस फ़ोटो को। तो बिल्कुल फ़ोटो में जो भी क्वालिटी है बिल्कुल नेचुरली आता है। और मैंने इसको लगभग 12 बजे के 11:30 बजे के आसपास मैंने इसको लिया था और पूरा धूप है। और आप देख सकते हैं जो खेत में ये पत्ता, सूखा हुआ पत्ता है, जो प्लास्टिक है वो भी इसने कवर किया है। तो इसमें आपको कैमरे में कोई भी आपको शिकायत नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब दूसरा भी फ़ोटो देखें। ये भी फ़ोटो मैंने अलग अलग कंडीशन में लिया है और रात को भी मैंने फ़ोटो लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो फ़ोटो है ये मैंने बिल्कुल रात को लिया था और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था इस फ़ोटो में, और मतलब बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन तब भी ये इस तरह से फ़ोटो आया तो मतलब पूरा हर चीज़ दिख रहा है। और फ़ोटो में जो है फ्रेंड्स फटता नहीं है, कितना भी जूम करने के बाद ऐसा नहीं कि फ़ोटो फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, फ़ोटो कभी कभी ऐसा होता है अगर जो भी आप सब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं वो सब्जेक्ट अगर हिलता रहेगा या चलता रहेगा तो कभी कभी ऐसा धुंधलापन आ जाता है, लेकिन कैमरे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसे अगर कैमरे के पर्पज़ से बाय करना चाहते हैं तो आप इजीली से बाय कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इस मोबाइल में जितने भी फीचर थे मैंने आपको बताया और इसमें बहुत सारे ऐप को मैंने डाउनलोड भी किया और इसको कंटिन्यू मैंने 5-6 घंटे तक कंटिन्यू चलाया, 7 घंटे तक चलाया। मोबाइल में हल्का सा हीट का प्रॉब्लम दिखाई दिया, मतलब हल्का सा, मतलब 5-10% तक हीट का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हीट होता ही नहीं है, होता है। और मैंने इसमें गेम भी खेला, बहुत देर तक गेम खेला, हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। इसमें बस एक चीज़ मुझे अच्छा लगा वो कि इसका जो चार्जर रेफरेंस ये 80 वाट का चार्जर है, और आप इसको बाय चांस अगर थोड़ा सा मोबाइल चार्ज में लगाए और ब्रश करने भी जाएंगे तो ब्रश करके जब वापस आप आएंगे तो आपका मोबाइल 100% फुल चार्ज होगा। मतलब इतना फास्ट में चार्ज करता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा ये। और इसका एक जो डिस पॉइंट है इसका कि आप फ्रेंड्स जिस हिसाब से हम लोग मतलब उम्मीद रखते हैं इसे बैटरी का, वैसा नहीं होता है। 100% चार्ज करते हैं और आप सुबह से शाम तक अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो ये आराम से नॉर्मल तक चल जाएगा शाम तक, लेकिन अगर आप हैवी यूजर हैं कंटिन्यू 5-5, 6-6 घंटे तक यूज करते हैं तो आपको दिन भर में एक बार शाम होते होते 7-8 बजते फ्रेंड्स हो सकता है आपको दोबारा भी चार्ज करना पड़ जाए। क्योंकि इससे पहले मैंने ओप्पो मोबाइल चलाया था तो उसकी बैटरी ड्रेन इतना फास्ट नहीं होता था जितना इसमें मुझे देखने के लिए मिलता था, लेकिन उसमें एक ये भी बात था कि उस मोबाइल को हमें चार्ज करने में 2 घंटे लग जाते थे और इसको 20 मिनट लगाते हैं तो मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। इसका रिफ्रेश रेट बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन 90 हर्ट में भी ये बिल्कुल सुपर डुपर चलता है, ऐसा नहीं कि आपको 90 हर्ट में ये कोई भी दिक्कत होता है, 90 हर्ट में बिल्कुल सुपर चलता है। देखिए स्क्रीन को टच करते ही भागता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि 30,000 का फ़ोन है। फिर भी मैंने बहुत सारे फ़ोन देखा और मुझे मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने under 30,000 में मुझे सबसे बेस्ट मोबाइल वन प्लस का ही लगा, इसीलिए मैंने ये वन प्लस का फ़ोन बाय किया। अगर आप लेना चाहते हैं वन प्लस का फ़ोन तो आप ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ले सकते हैं, और इसको लेने के बाद आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। सिंगल हैंड में आप आराम से यूज कर सकते हैं और जो इसकी डिस्प्ले है 6.43 इंचेस की डिस्प्ले होने के कारण एक हाथ से आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, आपको कोई भी ज़्यादा वेट नहीं लगेगा। इस मोबाइल की वेट 190 ग्राम है तो ज़्यादा वेट भी नहीं है और आराम से आप सब कुछ वन हैंड फील कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले के मामले में, स्टीरियो स्पीकर, कैमरा, ऑल टू ऑल बैटरी बैकअप, हर चीज़ के ओवरऑल बोले तो ये मोबाइल परफेक्ट है, आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरे मोबाइल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो मैंने 5 दिन से चलाया और मुझे जैसा लगा वैसा मैंने आपको बताया, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा तोड़ जोड़ करके नहीं बताया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है 1 महीने बाद यूज करने के बाद फिर से मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।